इफ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। एक गूगल फॉर्म के लिंक दिख रहे होंगे, आपको उस लिंक पे क्लिक करना है। अरे यार काश पढ़ लेते 1 जनवरी को, तब 95% स्कोर आ जाता। तो आपको एनसीईआरटी बुक्स पूरा अच्छे से बना लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, केस बेस्ड हमेशा आते हैं इस एपी के चैप्टर से। हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोगों की तैयारी स्टार्ट हो गई होगी, क्योंकि जब से डेट शीट आया है आप लोगों के अंदर में वो जोश भी आ गया होगा कि हाँ अब से पढ़ना है। मतलब अब से अच्छी तरह से दिमाग लगा के और एक अच्छे प्लानिंग के अनुसार पढ़ना है। और अगर आप लोगों ने अभी तक प्लानिंग नहीं किया है तो मैं आज आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स के जो 40 डेज स्ट्रैटेजी प्लान लेकर के आया हूँ। मतलब हम लोग 20 दिसंबर से लेके 30 जनवरी तक हम लोग कैसे मैथमेटिक्स के हर एक चैप्टर को क्लियर करेंगे, कौन से चैप्टर में कौन से टॉपिक को ज्यादा फोकस में लाएंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन ट्राई करेंगे, ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। और फाइनली 30 जैन को हम लोग का मैथमेटिक्स का अच्छे से सारे डाउट्स को क्लियर करते हुए पूरे सिलेबस कंप्लीट हो जाएंगे। और देन आप उसके बाद सैंपल पेपर के सेट्स लगा सकते हो और आपका जितना मन उतना लगा सकते हो। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में हम लोग सबसे पहला बात करेंगे, इफ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल, जो हम लोग का आज का कोर्स होने वाला है। इसका मतलब है बच्चों कि अगर आप कोई भी चीज की तैयारी के लिए आप प्लानिंग नहीं करोगे, इसका मतलब है कि आप फेल होने के लिए प्लान कर रहे हो। मतलब हर एक चीज, चाहे आप का एजुकेशन सिस्टम हो जाए या फिर आपके रियल लाइफ हो जाए, तो उसमें प्लानिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो पढ़ाई हो या फिर और भी कुछ हो, प्लानिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो आज का जो हम लोग इस वीडियो में जो भी हम लोग प्लान करेंगे, वो आपको 95% स्कोर मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में 100% दिलाने वाला है बच्चों, ये बात याद रखना। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखो, और इस वीडियो में बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें भी होने वाली है, तो इसलिए बच्चों लास्ट तक बने रहिए। चलिए फाइनली हम लोग इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूनिट्स चैप्टर्स से लेके, मतलब आप लोगों को पता होगा या नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि नंबर सिस्टम से 6 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, और जिसमें मात्र एक चैप्टर है रियल नंबर। मतलब रियल नंबर से 6 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर हम बात करें अलजेब्रा में, तो अलजेब्रा में टोटल 4 चैप्टर्स है। पहला है पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये चारों चैप्टर से 20 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर हम बात करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, तो अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बात करें तो उसमें एक ही चैप्टर है लाइंस, जो कि 6 मार्क्स के आने वाले हैं। और याद रखिएगा, लाइंस में हम लोग 2 फॉर्मूला का जिक्र करने वाले हैं, एक है डिस्टेंट फॉर्मूला और एक है सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। चलिए अगर हम ज्योमेट्री का बात करें तो इसमें 3 चैप्टर्स आते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन जो है आपका, ये चैप्टर तो कैंसल आउट हो गया है, इसलिए ये मात्र 2 ही चैप्टर से आपको 15 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं बच्चों, ठीक है। ये मात्र 2 चैप्टर से 15 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, मतलब आपका तो प्रॉफिट हो गया, कंस्ट्रक्शन कट गया। अब अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री का, तो इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, हाइट एंड डिस्टेंस, इससे टोटल 12 मार्क्स क्वेश्चन आने वाले हैं। और अगर हम बात करें मेंसुरेशन का, तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसमें 10 मार्क्स क्वेश्चन आने वाले हैं। और फाइनली लास्ट स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी, इससे भी 11 मार्क्स क्वेश्चन आने वाले हैं। मतलब आप इस तरह से देख लो, कौन से यूनिट से सबसे ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, तो पहले अलजेब्रा से आ रहे हैं ज़्यादा मार्क्स, फिर ज्योमेट्री से आ रहे हैं, और ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन और स्टैटिस्टिक। मतलब सबसे पहले आप लोगों को इन चैप्टर्स पे फोकस करना है। मैं आगे बताने वाला हूँ कि कैसे करना है बच्चों, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सबसे पहला चैप्टर पॉलिनोमियल्स के बारे में, और जिसके लिए आपको समय दिया गया है 20 दिसंबर से लेके 21 दिसंबर तक। इसका मतलब है कि आपको 2 दिन का समय दिया है, और इन 2 दिनों में आपको पॉलिनोमियल चैप्टर को पूरा क्लियर करना है। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल्स में हम लोग को पढ़ना क्या है, तो हम लोग को जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स वाले क्वेश्चंस को कवर अप करना है, और रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट वाले टॉपिक को भी हम लोग को क्लियर करना है। मतलब आप लोगों को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया जाएगा, और आपके इसके जीरोज निकालने होंगे, इसके रिलेशंस निकालने होंगे इसके जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में। और इस टाइप के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जीरोज दिए हुए हैं और बोल दिया गया कि फाइंड करिए 1/α
प्लस वन बाई बीटा इस तरह के, या फिर इससे रिलेटेड ऐसे जितने भी क्वेश्चंस है ना, आपको उन क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस हर बार एग्जाम में आते हैं और ऐसा ही देखा गया है कि ये सब क्वेश्चन जो होता है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है CBSE द्वारा। तो बच्चों आपको पहले तो ये सब चीज़ें को कवर अप कर लेना है दो दिनों के अंदर, और अगर बाई चांस अगर आप दो दिनों के अंदर कवर अप नहीं कर पाते हो, कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो सकता है, फैमिली प्रॉब्लम हो सकता है, या आप बुखार हो, बीमार हो, ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर आप कवर अप किए हो और आपका कुछ टॉपिक छूट गया हो, तो इसके लिए आप लोगों को घबराना नहीं है। उसके लिए एक बफर डे मैंने आप लोगों के लिए दिया हुआ है, मतलब जो 20 और 21 दिसंबर के बाद जो 22 दिसंबर का दिन होगा वो आप लोगों का बफर डे होगा। मतलब अगर आप लोगों का कोई चीज़ छूट गया है तो इस दिन आप वो क्लियर कर सकते हो, और जिनका नहीं छूटा है वो क्या करेंगे, तो वो इस दिन प्रैक्टिस पेपर लगाएंगे उस चैप्टर्स का, मतलब पॉलीनोमियल्स चैप्टर का आपको क्या करना, प्रैक्टिस पेपर लगाना है जिनका पूरा कवर हो गया है, ठीक है। तो ये दिन आप लोगों को बर्बाद नहीं जाने देना है, इस दिन को भी आप लोगों को अच्छे से यूटिलाइज करना है बच्चों, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर क्या हम लोग करना पड़ेगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपको उसके बाद इस चैप्टर्स पे फोकस करना है बच्चों, मतलब इसके लिए आपको 3 दिन का समय दिया गया है, 23rd, 24th और 25th, समझ में आया। ये 3 दिन इसमें आपको क्या पढ़ना है, पहले बात तो आपको मेथड्स पढ़ना है सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, ठीक है। उसके बाद आपको कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी के क्वेश्चंस करने हैं, ग्राफिकल मेथड के क्वेश्चन करने हैं, और सम सिचुएशनल प्रॉब्लम्स को भी आप लोगों को करना है, मतलब वर्ड प्रॉब्लम जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड है, ठीक है। मतलब सिंपल ही आएगा, उतना ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चंस नहीं आएगा, तो आपको सिंपल ही हर चीज़ करना है। अब जैसे एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको 2 लीनियर पेयर दे दिए गए होंगे, ठीक है, 2 वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशंस आपको दे दिए गए होंगे, आपको उनमें मेथड लगाना है। तो देखिए ऐसा देखा गया है कि जितने भी पेपर आए हैं अभी तक उसमें कोई पर्टिकुलर ऐसा लिखा नहीं होता है कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है या आपको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। इसका मतलब है आप दोनों में से अगर आपका एक भी अच्छा है, या तो एलिमिनेशन हो या तो सब्स्टिट्यूशन हो, तो आप आगे बढ़ के उसको लेके चल सकते हो। आपको जिसमें आपको सुटेबल लगे कि हाँ ये मैं लगा सकता हूँ, इसमें मेरा पकड़ अच्छा है, आप उसके ज़रिए सॉल्व करो, चाहे वो एलिमिनेशन हो और ये चाहे वो सब्स्टिट्यूशन हो। अब अगर हम लोग बात करें कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी के क्वेश्चंस आपको करना है, जिसमें आपको पता होगा कौन से इक्वेशंस, पेयर ऑफ इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कौन से यूनिक सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं या नो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को क्लियर कर लेना है, और ग्राफिकली मेथड के भी द्वारा आपको इसको अच्छे से सॉल्व कर लेना है, ठीक है बच्चों। चलिए अच्छे से देख लेना है, और उसके बाद कुछ सिंपल्स प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है, उसको भी आपको अच्छे से कवर अप कर लेना है। तो उसके बाद सेम इसमें भी वही तरीका है कि अगर कोई चीज़ छूट जाता है तो उसके लिए बफर डे है, इसके नेक्स्ट दिन एक दिन गैप्स हम लोग रखे हैं ताकि उस दिन जिनका छूट गया हो कोई टॉपिक वो उस दिन क्लियर कर सकते हैं, या फिर जिनका कवर अप हो गया है वो इस दिन उस चैप्टर्स के पर्टिकुलर एक अलग अलग जो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस होते हैं, सेट्स होते हैं, आप उनको लगा सकते हो, ठीक है। चलिए अब बात करते हम लोग नेक्स्ट चैप्टर क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें आपको देखिए ये सब जो टॉपिक मैंने यहाँ पे लिखा है वो सब टॉपिक को आपको ज़्यादा फोकस में करना, और उस सब टॉपिक की ही आपको क्वेश्चंस करने हैं, तभी आप 95 प्लस स्कोर ला सकते हो बच्चों, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जिसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जरिए सॉल्यूशन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाले सॉल्यूशंस आपको कर लेने हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस, और जो डिस्क्रिमिनेंट और नेचर ऑफ रूट्स के जितने भी रिलेशंस क्वेश्चंस है कि कौन से रियल रूट्स है, कौन से अनइक्वल रूट्स है, कौन से इक्वल रूट्स है, डिस्टिंक्ट रूट्स है, तो ये सभी के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे कर लेने हैं, और साथ में इसके वर्ड प्रॉब्लम्स भी आप लोगों को कर लेना है, सिंपल सिचुएशनल प्रॉब्लम भी आप लोगों को यहाँ पे अच्छे से कर लेना है। अगर आप RS अग्रवाल बना रहे हो या RD समय बना रहे हो तो उनमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं सिंपल सिचुएशनल प्रॉब्लम्स पे, लेकिन आपको याद रखना है जब आप कवर अप कर रहे हो तो आपको NCERT बुक्स पूरा अच्छे से बना लेना है, समझ में आया, NCERT बुक्स के एक भी क्वेश्चंस को आप ना छोड़े। चलिए
उसके बाद सेम एक दिन का बफर डे है, आपको एक दिन सोचने समझने प्रैक्टिस करने का एक्स्ट्रा टाइम दिया जा रहा है। अब देखिए ऐसा नहीं है कि आपको दिन भर बैठ के ये सब को पढ़ना है, नहीं, आप एक अपने हिसाब से रूटीन तैयार करो कि हाँ हमको इतने टाइम के इतने टाइम में ये सब्जेक्ट कवर करना है, इतने टाइम में ये सब्जेक्ट कवर करना है। और अगर आप लोगों को दिक्कतें आ रही है रूटीन बनाने में तो मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में रूटीन आप लोगों के लिए तैयार करके लेकर के आ जाऊंगा। तो अगर जिनको प्रॉब्लम हो रही है आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, मैं उनके लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध जरूर करवाऊंगा। चलिए अब अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, तो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग बात करेंगे अरिथमेटिक मीन के बारे में, एपी के बारे में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, केस बेस्ड हमेशा आते हैं इससे एपी के चैप्टर से, तो एपी पे आपको फोकस करना है। इसके लिए आपको 30 दिसंबर 1 जनवरी और 2 जनवरी का समय दिया गया है। मुझे पता है 1 दिसंबर को आप लोग थोड़ा चिल जरूर करोगे क्योंकि न्यू ईयर सेलिब्रेशन, ठीक है, 1 जनवरी को आप लोग न्यू ईयर सेलिब्रेशन सेलिब्रेट तो बहुत ही करोगे। लेकिन याद रखना सेलिब्रेशन अपना जगह है, पढ़ाई अपना जगह, आप सेलिब्रेट करो लेकिन आप पढ़ने का समय भी निकाल लो। हाँ उस समय आप थोड़ा सा तो पढ़ लो कि आपको आगे जाके गिल्ट ना फील हो कि अरे यार काश पढ़ लेते 1 जनवरी को, तब 95% स्कोर आ जाता, तो ये गिल्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप देख लो अपना। चलिए तो अब एपी में किस टाइप के क्वेश्चंस करने, तो एपी में हम लोग को जितने भी जनरल टर्म्स वाले क्वेश्चंस हैं, मतलब ये क्वेश्चंस an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, है ना, इस फॉर्मूला से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है कि आपको दो गो का एपी, मतलब दो गो टर्म दे दिया गया है, आपको उसका एपी निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, फर्स्ट टर्म निकालना है, nth टर्म निकालना है, 59, 60, 105 टर्म निकालना है, तो इस तरह के जितने क्वेश्चंस है वो आप लोग देख लेना। और साथ ही में सम ऑफ एपीज भी आपको देख लेना, जिसका फॉर्मूला आपको पता होगा Sn इज इक्वल टू n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1d। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है, या फिर Sn इज इक्वल टू n बाय 2 अंडर ब्रैकेट a प्लस an, इससे रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चंस है वो आप लोग क्वेश्चंस देख लो। और एक क्वेश्चंस इससे भी देख लेना कि an अगर हम लोग को निकालना हो सम ऑफ ap के द्वारा, तो हम लोग क्या करते हैं Sn में से माइनस कर देते हैं Sn माइनस 1। तो ये सारे जितने भी फॉर्मूलाज है उसके टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आप लोग कर लो। फिर उसके बाद आपको बफर डे दिया गया है, आप उस दिन सेट्स लगा लो, या जिनका टॉपिक छूट गया है वो कवर अप कर लो। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें बहुत सारे बच्चे फंसते हैं, ठीक है, और वो बच्चे पता है कहाँ आके फंसते हैं, वो इस चैप्टर में आके फंसते हैं, और कुछ कुछ बच्चे इस चैप्टर में आके फंसते हैं। ये दोनों बच्चे तो क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक एंगल जैसे 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, ठीक है। तो ये जितने भी डिग्री पे क्वेश्चंस आप कर लो, रेशियो, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस, इस तरह से जो क्वेश्चंस आते हैं वो सारे देख लो। मतलब इससे ऐसे नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं आएंगे, आपको बोला जाएगा साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 3/4, 3/5 दिया हुआ है साइन थीटा का वैल्यू, आपको फाइंड करना है टैन थीटा प्लस कॉट थीटा बाय साइन थीटा, इस तरह के क्वेश्चन, इसके वैल्यूज फाइंड करो। अगर आपको साइन थीटा का वैल्यू 3/5 दे दिया गया है तो इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को ट्राई कर लेना है, ठीक है, सॉल्व कर लेना है। और आइडेंटिटीज आपको पता होगा आपके सिलेबस में एक ही आइडेंटिटीज को ज्यादा फोकस किया गया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इस आइडेंटिटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आप उसको कर लो, ठीक है। अब आता है हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में, तो देखो हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं, देख लीजिए सुन लीजिए क्या बातें हैं। आपको इसके क्वेश्चन समझने आने चाहिए क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस बहुत ही आसान चैप्टर है, उसमें आपको क्वेश्चन समझना होता है और उस क्वेश्चंस के अनुसार आपको उसके फिगर बनाने होते हैं, और फिगर के बाद तो सब इजी हो जाता है, है ना बच्चों, सब इजी हो जाता है, आपको पता चल जाता है क्या निकालना है क्या नहीं निकालना है सिर्फ और सिर्फ उसके फिगर से बच्चों, ठीक है।
तो हाइट एंड डिस्टेंस आसान चैप्टर है, बस क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। और ट्रिग्नोमेट्री के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए या फिर वन शॉट रिवीजन हो गए, वो भी मैंने बना के दिया हुआ है। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके वीडियो चेक कर सकते हो। एपी के भी मैंने वीडियोज बनाए थे, ये जो एपी है एपी के भी मैंने वीडियोस बनाए हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लो या फिर आप आई बटन पे भी जाके क्लिक करके वहां से इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री के भी वीडियो को आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो बच्चों, ठीक है। चलिए, बफर डे आपको 8 जैन को दिया गया है। अब हम लोग बात करते हैं 9th जैन और 10th जैन, मतलब इसके लिए आपको 2 दिन दिया गया है ट्राइंगल्स के लिए, जो ज्योमेट्री का पार्ट है। आपको देखिए ट्रिग्नोमेट्री के लिए 4th जैन से 7th जैन का समय दिया गया है बच्चों, मतलब टोटल 4, 5, 6, 7 चार दिन का समय दिया गया और साथ में एक बफर डे के साथ 5 दिन। तो सोचिए कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो कि हम लोग को पढ़ना है, ट्रायंगल। बच्चों इसमें आपको 2 चीजों पे फोकस करना है, पहला तो थेल्स थ्योरम पे आपको फोकस करना है और दूसरा आपको बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बीपीटी। कभी कभी एग्जाम में बीपीटी लिख देता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो तो थेल्स थ्योरम पढ़ के जाते हैं तो ये बीपीटी कहाँ से आ गया। तो दरअसल बात एक है, ठीक है ना, बात एक ही है। तो थेल्स थ्योरम से जितने भी क्वेश्चंस है, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है, प्रूफ वाले क्वेश्चंस, फाइंड वाले क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस आप लोग कर लेना बच्चों। और सिमिलैरिटीज से जितने भी क्वेश्चंस है, जहां पे हम लोगों ने बहुत सारे सिमिलैरिटीज देखे थे, ए सिमिलैरिटीज देखे थे हम लोगों ने, SSS सिमिलैरिटीज देखे थे, ठीक है, SAS सिमिलैरिटीज देखे थे, तो ये सिमिलैरिटीज के क्वेश्चंस आप लोगों को कर लेना है बच्चों। और इसके लिए आपको कितना समय दिया गया, 2 दिन का समय दिया गया है। आप 9th जैन को इसको कवर अप करो, आप 10th जैन को इसको कवर अप करो, ट्रायंगल में आप 4th जैन को इसको कवर करो, 5th, 6th, 7th, देखिए हर एक दिन आपको एक एक टॉपिक को कवर अप करना है, ठीक है। वैसे ही सेम ट्रायंगल में भी हर एक दिन आपको एक एक टॉपिक को कवर अप करना है और साथ में आपको बफर डे उसके बाद तो दिया जा ही रहा है आपको सारे अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए। हाँ, और एक बात, हमारे E2E टीम के तरफ से आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प प्रोवाइड करवाया जाएगा, मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक गूगल फॉर्म के लिंक दिख रहे होंगे, आपको उस लिंक पे क्लिक करना है। अगर आप कोई क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो और वो क्वेश्चंस आपको सॉल्व नहीं हो रहे हैं, या फिर आप उस क्वेश्चंस को सॉल्व किए हो आगे जाके कहीं फंस गए हो, तो उस लिंक पे क्लिक करो, वहां पे फाइल ऐड का ऑप्शन होगा, उसमें आप फाइल ऐड करो, हमारी टीम आपसे तुरंत कांटेक्ट करेगी और उसका आंसर आपको प्रोवाइड करवाओगी, या फिर जो आप वहां पे फंस गए हो आपके उसके क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करके वो आपको दे देगी हमारी टीम, ठीक है बच्चों। तो इस बात का ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट सर्कल चैप्टर के बारे में, जिसके लिए भी आपको 2 दिन का समय दिया है, मतलब पहला आपको टेंजेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो कवर अप करना है और एक पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है एक्सटर्नल पॉइंट से, उसके क्वेश्चन आप लोगों को कवर अप करना है। तो 2 दिन का समय एनफ है सर्कल के लिए, उतना बड़ा ये चैप्टर है भी नहीं और साथ में आपको एक बफर डे दिया जा रहा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं एरिया रिलेटेड सर्कल। देखिए अब मेंसुरेशन का पार्ट आ गया है, मतलब आपको इतने सारे चैप्टर्स कवर अप करने के बाद फाइनली आपको मेंसुरेशन पे ध्यान देना है, ठीक है। और मेंसुरेशन पे ध्यान देने के पहले आपको सारे फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, अगर आपको फॉर्मूलाज नहीं याद होंगे तो आप फंस जाओगे, ठीक है। चलिए तो एरियाज में आपको सेक्टर से ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है और सेगमेंट ऑफ सर्कल से ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है बच्चों। ये 2 ऐसे टॉपिक्स है जिससे क्वेश्चन आने ही आने हैं, समझ में आया। तो ये दोनों टॉपिक्स को आप सबसे पहले क्लियर करो, आपको 2 दिन का समय दिया गया है, आप सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को बनाओ, आप सेगमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को बनाओ और इसी के अंतर्गत ऐसे और भी सारे टॉपिक्स आ जाएंगे जो आपको ऑटोमेटिक कवर होते जाएगा, ठीक है। अब याद रखिएगा, अब ये दोनों के जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो ना, तो आप ना वो फिगर वाले भी क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है। जैसे गुलाब जामुन का एरिया निकालो या फिर कोई फूल बना देगा उसके एरिया निकालो इस तरह से, ठीक है, इसके एरिया निकालो, है ना बच्चों। इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं,
तो ऐसे क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस होंगे ना, ऐसे क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस कर लेना कि हाँ इसके एरियाज क्या हो जाएंगे, ऐसे शेडेड पोर्शन के एरिया। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, हर बार आते हैं और देखे गए हैं बाबू लोग, ठीक है, तो कर लेना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं उसके बाद बफर डे 17 जैन, और फाइनली हम लोग 3 दिन का समय दिया गया है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के लिए, 18 जैन, 19 जैन और 20 जैन। इसमें आपको सरफेस एरिया कवर अप करना है जितने भी कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन है, सॉलिड के कॉम्बिनेशन, मतलब जैसे कोन है, कोन के ऊपर हेमिस्फेयर आ गया, ठीक है, सिलेंडर है, सिलेंडर, ठीक है, ये सिलेंडर के ऊपर कोन आ गया, टेंट बन गया। तो इस तरह के जो कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो सरफेस एरिया उसमें पूछा जा रहा हो या वॉल्यूम पूछा जा रहा हो, तो इस तरह के क्वेश्चंस पे आप लोगों को ध्यान देना है। ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करना है, और ये सारे क्वेश्चंस आपके तभी होंगे जब आपको इसके सारे फॉर्मूलाज याद होंगे, CSA, TSA, LSA, वॉल्यूम, ये सारे चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको याद है तभी आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, बफर डे सेम चीज़ है। अब हम लोग बात करते हैं स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी के बारे में, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको उन चैप्टर को कवर अप करना है जिन चैप्टर से ज़्यादा मार्क्स आते हैं, और जहाँ पे अक्सर बच्चे फंसते हैं, या तो क्वेश्चन समझ में फंस जाते हैं या फिर कैलकुलेशन में फंस जाते हैं। तो ऐसे चैप्टर्स को आपको सबसे पहले कवर अप करना है। स्टैटिस्टिक में भी आपको 3 दिन का समय दिया गया है जिसमें आप मीन मीडियन मोड को सबसे पहले डील करो, और फिर जितने भी प्रोबेबिलिटी से जितने भी क्वेश्चंस है ना आप उसको कवर करो। प्रोबेबिलिटी से आप याद रखना कार्ड्स वाले क्वेश्चंस पे फोकस करना, ठीक है, और जो भी वर्ड वाले क्वेश्चंस होते हैं जैसे इम्पॉसिबल एलिफेंट में नंबर ऑफ वॉयल्स कितने हैं कांस्टेंट के, प्रोबेबिलिटी निकालिए, या फिर एक बैग में इतने सारे बॉल्स हैं उनके प्रोबेबिलिटी निकालिए, ठीक है। कॉइन्स और डाइस वाले प्रोबेबिलिटी उतने नहीं देखे जाते हैं। इसी टाइप्स के जो भी क्वेश्चंस हैं ना, नॉर्मल जो भी क्वेश्चंस हैं डे टू डे लाइफ के, वो सब क्वेश्चंस के प्रोबेबिलिटी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, बफर डे के बाद 26 जैन और 27 जैन। अब आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे फोकस करना है, जिसमें आपको डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला, मात्र ये दो चीज़ों पे फोकस करना है, ठीक है। और साथ में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आएंगे, जैसे आपको एक पैरेललोग्राम बनाया दिया रहेगा, उसके 3 कोऑर्डिनेट दे दिए गए होंगे, चौथे कोऑर्डिनेट आप लोगों को निकालने हैं, तो आप उसको डिस्टेंस फार्मूला से कैसे निकालोगे या सेक्शन फार्मूला से कैसे निकालोगे, तो उसके लिए आपको क्वेश्चंस आने चाहिए। आपको आपने अगर क्वेश्चंस लगाया है उस तरह के तो आप बना पाओगे, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा ना। तो 2 दिन दिया गया है इसके लिए, आप प्रैक्टिस करो सारे क्वेश्चंस को, आप कोई भी बुक से सॉल्व कर सकते हो, और आपको ऐसा लगता है कि हाँ अब मैं तैयार हूँ इस चैप्टर्स के लिए, मैं अब तैयार हूँ, तो बफर डे को आप उस चैप्टर्स के प्रैक्टिस सेट्स लगा लो, खत्म बात। फिर आपको पता चल जाएगा आप कितने पानी में हैं या फिर आप नहीं हैं पानी में, ठीक है। चलिए उसके बाद अब जितने भी छोटे छोटे चैप्टर्स हैं उनको कवर अप हम लोग कर ले हैं। अब जैसे लास्ट में रियल नंबर को करना है, क्योंकि रियल नंबर उतना बड़ा चैप्टर नहीं और मात्र 6 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं, तो उसको लास्ट में कवर अप करेंगे हम लोग। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर को हम लोगों ने सारा कवर अप कर लिया है, ठीक है। अब लास्ट जो चैप्टर बचा हम लोग का रियल नंबर, इसमें आपको फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक्स के देखने हैं, और साथ में इनका प्रूफ √3, √2 और √5 इनके प्रूफ्स आते हैं 2 मार्क्स में बच्चों। तो आपको इसको भी कवर अप करना है, इसके सारे क्वेश्चंस करना है, ठीक है। क्वेश्चंस आपको पता हो जाएगा जैसे प्रूफ डैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, इस तरह के क्वेश्चंस, HCF LCM वाले क्वेश्चंस, ठीक है। ये सारे आपको क्वेश्चंस पे ध्यान देना है बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो फाइनली हम लोगों ने ये टोटल 40 डे जो प्लान लेकर के चल रहे थे, हम लोगों का जो स्ट्रैटेजी था वो फाइनली पूरा हो गया, और 30 जैन तक आपका जो पूरा सिलेबस है मैथ का वो खत्म हो गया है। ऐसा नहीं है कि आप जितने भी मैथ के क्वेश्चंस या फिर आपने मैथ के सिलेबस को कंप्लीट किया वो पूरे दिन आपको करना है, नहीं, आपको हर एक सब्जेक्ट को साथ में लेकर के चलना है। मैथ के लिए आपको अलग टाइम देना है, 3 आवर कम से कम एक दिन में,
तभी, या फिर अगर आपके पास उससे ज्यादा समय है तो आप वो दे सकते हो, चॉइस इज योर्स। आप जितना ज्यादा पढ़ोगे आपको प्रॉफिट उतना ही ज्यादा होगा बोर्ड एग्जाम में, और आप उतने ही अच्छे स्कोर कर पाओगे बच्चे, ठीक है। तो फाइनली जो आज का प्लान था हम लोग का, वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग इस प्लान से चलते हैं तो मेरी गारंटी है 95% आपके स्कोर आने तो पक्के हैं बच्चों, क्योंकि अगर आप प्लान करोगे तभी आप अच्छा स्कोर करोगे, और अगर आप प्लान नहीं कर रहे हो मतलब आप फेल होने के लिए प्लान कर रहे हो, जो कि आज का हम लोग का कोर्स था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और वो क्वेश्चंस आप लोगों से सॉल्व नहीं होते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे उस लिंक को क्लिक करो, और वहाँ पे ऐड फोटोज के ऑप्शंस है, अब वहाँ पे जो भी आपके क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं उनके फोटो क्लिक करके वहाँ पे अपलोड कर दो, हमारी E2E की टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी उसी वक्त तुरंत, और आपके जितने भी प्रॉब्लम्स है उसको आपके साथ बैठ के अच्छे से डील करेगी बच्चों, ठीक है। तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। और ऐसे अगर आपको कोई टॉपिक के क्वेश्चंस चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे मैं 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेकर के आया हूं, तो आपको अगर कोई क्वेश्चंस चाहिए इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करो, मैं आप लोगों के लिए उस चैप्टर्स के वीडियो भी तुरंत लेकर के आऊंगा। वैसे तो मैं लेकर के आऊंगा हर चैप्टर को, लेकिन आपको सबसे पहले प्रायोरिटी दिया जाएगा और आपके द्वारा बोले गए चैप्टर्स को मैं सबसे पहले लेकर के आऊंगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे मैं और सारी बातें लेकर के आऊंगा आपके सामने, आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड बच्चों। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़िए, प्लान्स बनाइए और उस प्लान्स को फॉलो भी करिए बच्चों।